मेरे सभी नौजवान साथी, प्यार करने योग्य बच्चे, सभी सती सावित्री जैसी भूमि पर पढ़ने वाली मेरी माताएं बहने, आज श्रीमद् भागवत का अंतिम दिवस है। इस गाजियाबाद छपरौला शाइलो कालोन में हमारे सुभाषचंद शर्मा जी शराव श्री राम नारायण स्वर्गीय श्रीमती कलावती उनके सपुत्र ने तीसरी बार ये श्रीमद् भागवत कथा ये ब्राह्मण परिवार से परमात्मा की बड़ी अच्छी दृष्टि है। सबसे पहले हम गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ करते हैं। सभी माताएं बहने, आज बहुत सुंदर कथा है। योगी राज कृष्ण मुरली मनोहर कन्हैया और सुदामा जी, उनका आज मिलन होगा। आज हमारे कलाकार वृंदावन से उपस्थित हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। देखिए, हमारे देहात भागवत चैनल पर बड़ी बड़ी मधुर वाणी के द्वारा अमृत रूपी कथाओं का रिस्पॉन्स घर बैठे ही करते रहोगे। हमारे रिकॉर्डिंग करता और नेट में भेजने वाले हमारे परम प्रिय मित्र मेरे गणेश ताराचंद शर्मा जी और हमारे शेखर भैया शर्मा जी, दोनों बड़ी मेहनत में लगे हुए हैं। मेरी सभी से माता बहनों से यही आदेश है, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया और आप देहात भागवत चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने नए नए प्रोग्राम आप रसपान करते रहे भागवत की कथाएं। बड़ो आनंद कंद भगवान की जय। हमारे देखिए, ढोलक पर जो संगत करते हैं हमारे छोटे लाल ग्राम नगला घनश्याम खैरगढ़ डिस्ट्रिक्ट भोजाबाद चिमटा पर जो हमारे परम प्रिय शिष्य जो संगत करते हैं, डम्बर सिंह थाना शकरौली गांव उदीगढ़ी जिला एटा और हमारे विपन कुमार जो मटका बजाते हैं, हमारे भतीजे और जो हमारे झीका पर जो संगत करते हैं, हमारे जितेंद्र शर्मा छपरौला गाजियाबाद वासी और हमारे मजीरा पर जो संगत करते हैं, हमारे कवेंद्र बेटा और हमारी बेटी बीच वाली जो पुत्री वंदना शास्त्री मधुर मधुर अपनी वाणी के द्वारा कथा रसपान कराती है, उनके भी अन्य प्रोग्राम देहात भागवत चैनल पर ही सुनते रहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की। पहले हम गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद